मेरा ये हाथ देख रहे हो, कलर्ड है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि आज जो हम लोग केक बनाएंगे ना, उसमें बहुत सारे कलर्स यूज हुए हैं। तो अब आप बोलोगे कलर अच्छा नहीं है यूज करना, बट आई एग्री। तो इसमें बहुत ज्यादा कलर यूज हुआ है, एट द सेम टाइम यूज नहीं भी हुआ है। कैसे बनाया है उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज हम बनाएंगे एक पेंटिंग थीम केक, और जिसको बनाने के लिए मैंने यूज किया है ऐसे पैलेट नाइफ्स, ये ना ऐसे 5 का सेट में आता है, और मैंने 2 यूज कर लिया है। बहुत सस्ता है, मतलब 150 के आसपास ही मिलता है। और अगर आपको पेंटिंग पसंद है ना गाइस, किसी भी तरह का, तो आप ये बहुत एंजॉय करोगे, और मुझे तो बहुत मजा आया इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिफोर दैट, हाय गाइस, मैं हूँ तृप्ति और आप देख रहे हो तृप्ति टेस्टी सीजन केक्स। और ये वीडियो ना आपको जरूर अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगा, आप लोगों को भी जरूर अच्छा लगेगा। और फ्लेवर भी इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या फ्लेवर है आपको वीडियो में आगे जाके पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करिए, एंड चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिसके साथ में मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाता है। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको थैंक यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो केक बनने वाला है वो 1 किलो का है। तो इसके लिए मैंने एक स्पॉन्ज को पहले से ही बेक करके रखा है, और उसको 4 लेयर में कट करके रखा है। तो हर बार जैसे करते हैं ना, पहले टर्न टेबल के ऊपर एक टिश्यू पेपर प्लेस करेंगे, टिश्यू पेपर को थोड़ा सा गीला करेंगे, उसके ऊपर ही जो हमारा केक बोर्ड है उसको रखेंगे, केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे, एंड देन उसके ऊपर स्पॉन्ज का एक लेयर प्लेस करेंगे। स्पॉन्ज को नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर से मैंने सोक किया है स्प्रे बोतल के हेल्प से। ओके, अब इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर रही हूँ 2 चम्मच जितना ऑरेंज क्रश। ये क्यों डाला? ये इसके लिए कि केक में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे आप देख सकते हो कहीं पे ज़्यादा गया है, कहीं पे कम गया है। तो जब आपका क्लाइंट इसका बाइट लेंगे ना, उनको बहुत अच्छा एक ऑरेंज का बर्स्ट आएगा। और इसका जो फ्लेवर है आज का केक का ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कसाटा फ्लेवर का केक हम लोग बना रहे हैं, तो वीडियो को मिस मत करिए और पूरा देखिए। तो क्रीम लगाने के बाद ना इवन लेयर इसके ऊपर मैं अभी ये स्प्रेड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी कंपोट, जो कि मार्केट का है, आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हो। इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम में शेयर किया है रील्स में, आपको अगर चाहिए तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो। और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे, और ना सेकेंड लेयर को भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे सोक करेंगे और ऑरेंज क्रश लगाएंगे, क्रीम अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये केक के लिए ना जो क्रीम का परफेक्टली व्हिप होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम लोग पेंटिंग करने वाले हैं, अगर परफेक्टली व्हिप नहीं होगा क्रीम, तो आपका पेंटिंग अच्छे से नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो बहुत अच्छे से इसका भी लेयरिंग कर रही हूँ। ये लेयर में मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल क्रश। ओके, तो पाइनएप्पल का चंक्स भी आप डाल सकते हो, या फिर वाइट चॉको चिप्स भी डाल सकते हो, बट एक्स्ट्रा स्वीटनेस हो जाएगा। इसके लिए मैंने वो सब कुछ भी नहीं ऐड किया। उसको स्प्रेड करने के बाद थर्ड लेयर प्लेस किया, और उसको थोड़ा सा जो भी गैप से उसको कवर कर लिया और सोकिंग किया। बट ये लेयर में आप देखा होगा कि मैंने ऑरेंज क्रश नहीं डाला। क्यों? क्योंकि अगर हर लेयर में मैं ऑरेंज अभी डालने जाऊंगी ना, तो ऑरेंज का जो फ्लेवर है बहुत एम्पावरिंग हो जाएगा, तो बाकी का जो भी फ्रूट्स के फ्लेवर्स है वो दब जाएगा इसके लिए। ओके, और ये लेयर में मैं अभी ऐड कर रही हूँ ब्लूबेरी कंपोट, और ये भी मार्केट का है। तो आप सोचो ये केक का टेस्ट कितना अच्छा आएगा। ठीक है, पहले ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, तो बहुत ही डिलीशियस ये केक का फ्लेवर है। और ये केक का फ्लेवर जितना डिलीशियस है ना गाइस, ये केक देखने में भी उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ठीक है, तो और इसका फीडबैक भी मुझे क्लाइंट से बहुत ही अच्छा आया था। और ये केक का जो स्पॉन्ज को ना मैंने 7 इंच केक पैन में बेक किया था। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा हाइट में चाहिए था केक, बहुत हाइट नहीं चाहिए था, या फिर कम भी नहीं चाहिए था। 8 इंच से अगर बनाएंगे तो नॉर्मल हाइट आता है, और 6 इंच से बनाएंगे ना केक पैन का यूज़ करके, तो टॉल केक बनता है। तो मुझे टॉल केक नहीं चाहिए था, एक डिसेंट सा हाइट चाहिए था, इसके लिए 7 इंच केक पैन यूज़ किया मैंने। और क्योंकि साइड में पेंटिंग होगा, मुझे थोड़ा स्पेस मिलेगा काम करने के लिए इसके लिए। अब क्रम कोटिंग करने के बाद इसका फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। तो फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना क्रीम में मैंने एकदम थोड़ा सा 1/2 ड्रॉप जितना मैंने पिंक कलर ऐड किया है।
बेस कलर को ना गाइस हमेशा लाइट रखिए ताकि जब इसके ऊपर हम पेंटिंग करेंगे तो वो पॉपअप होके दिखे और अच्छे से दिखे, ठीक है। तो अब साइड्स को मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, तो फिनिशिंग के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, हर केक के ऊपर दीजिए, भले ही टाइम 10-15 मिनट ज़्यादा लगे बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही आपका केक में अच्छा लुक आता है, प्रोफेशनल लुक आता है। तो पैलेट नाइफ से करने के बाद फिर मैं स्क्रैपर से कर रही हूँ, तो जैसे कर रही हूँ हर वीडियो में मैं बताती हूँ, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। अनफिनिश केक में काम करने के लिए भी मज़ा नहीं आता है, तो फिनिशिंग पे ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। अब फिनिशिंग देने के बाद इसको ना मैं थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में रखती हूँ। तो चलिए ये केक में जो मतलब पहला कलर जो जाएगा उसको रेडी करते हैं। तो जो पिंक कलर था ना उसमें मैं थोड़ा सा और पिंक ऐड करके ऐसे ब्राइट कलर का क्रीम रेडी किया, और जैसे मैं स्प्रेड कर रही हूँ पैलेट नाइफ से वैसे ही करना है, देख रहे हो कैसे कर रही हूँ, और जैसे लिफ्ट कर रही हूँ देख रहे हो वैसे ही लिफ्ट करना है, और जो पैलेट नाइफ का साइड्स को भी क्लीन करना है अभी कर रही हूँ। ये करने के बाद आपको केक के ऊपर इसको प्लेस करना है। प्लेस कैसे करना है, बस आपको इसको केक के ऊपर लगाना है और ऐसे हल्के से ड्रैग करना है। अगर बहुत ड्रैग करोगे तो केक के अंदर आपका पैलेट नाइफ घुस जाएगा, फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। तो ये करने से पहले ना एक दो बार आप नॉर्मल बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लीजिए, देन जो एक्चुअल केक के ऊपर करिए। अभी और एक बार दिखाया मैंने, और इसके लिए मैं बोले थे कि क्रीम आपका अच्छे से व्हिप होना ये केक के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छे से नहीं व्हिप होगा ना तो आप ये डिज़ाइन नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो देखा कैसे किया, अभी और एक बार मैं दिखाती हूँ कैसे लिफ्ट करना है। हल्का हल्का आपको लिफ्ट करना है, साइड्स को क्लीन करना है, देन केक के ऊपर आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। तो इसी तरह पूरा साइड्स को पहले कवर कर लेंगे पिंक कलर के जो फ्लावर्स से, और देन टॉप पार्ट के ऊपर जाएंगे। तो टॉप में ना मैं ऐसा एक, ये तो हमेशा हर कोई बनाता है, ऐसे बना लेना है एक ब्रांच जैसा। तो इसके लिए आप ब्राउन कलर का क्रीम ले सकते हो, बट मैंने पेंट ब्रश यूज़ किया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है जेल कलर, उसमें ऐड किया इवापोरेट्स, और ऐसे रैंडमली ये ड्रॉ कर रहे हूँ। इसके ऊपर अब पेंटिंग हम लोग करेंगे सेम पैलेट नाइफ से। तो पहले तो सेम पिंक कलर का क्रीम से मैं कवर कर लूँगी ताकि वो यूनिफॉर्म दिखे, आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ। और आप जो पैलेट नाइफ को जिस एंगल से आप उसको टर्न करके ड्रैग करोगे ना, तो आपका पैटर्न्स भी उसी तरह ही बनेगा, ठीक है। तो पैलेट नाइफ पेंटिंग के लिए आपको जितना मन चाहे उतना कलर आप यूज़ कर सकते हो, आपका मर्जी है। आप चाहो तो पूरा एक कलर से पूरा केक को कंप्लीट करो, या फिर जैसे मैं आज कर रही हूँ उसी तरह करो। मैंने तो 4-5 कलर शायद यूज़ किया है, बट बहुत थोड़ा थोड़ा कलर जाता है गाइस, बिलीव मी, और क्रीम भी बहुत कम जाता है। अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसको कम क्रीम में केक चाहिए, तो आप इस उसको ना ये डिज़ाइन बना के दीजिए, उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप उनका मनपसंद का केक उनको मिलेगा तो वो हैप्पी हो जाएंगे। तो ऐसे ही पूरा हो गया मेरा केक कम्प्लीट। अब इसके ऊपर एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा देंगे, और आप चाहो तो जो सिल्वर लस्टर डस्ट उसको स्प्रे करिए, और शुगर जो बॉल्स आता है वो लगाएंगे। उसके बिना कोई भी बेकर का केक कंप्लीट नहीं होता है। तो आप देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो ना गाइस ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो और आगे क्या देखना है वो भी मुझे बताइए, तो मुझे उसके ऊपर काम करने में आसानी होगा, ठीक है। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड।